गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आपके 11 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो अब तक जो आपने सीख रखा है, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें। मुझे आपको जो सीरीज सिखाए थे ना, वो एक बार रिवाइज कराना है। तो सीरीज क्या थी? गुड, पहला था लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाशन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा दैट इज फंड, एंड द लास्ट वन इज हम्फ्री। राइट, विजिबल है ना सब? हाँ, ठीक है। तो क्या है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। मैंने इसको याद करने के लिए आपको छोटा सा ट्रिक भी बताया था। हाँ, क्या था? ललुआ के बापू का बीपी हाई। ललुआ मतलब लाइमन, बापू मीन्स बामर और पाशन, बीपी ब्रैकेट फंड, हाई में हम क्या लेते हैं? हम्फ्री। इनके लिए N1 और N2 की कुछ वैल्यूज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। लाइमन के लिए हमेशा N1 की वैल्यू 1, बामर के लिए 2, पाशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5 एंड हम्फ्री के लिए 6 फिक्स है। अब लाइमन सीरीज जो कि N1 इज इक्वल टू 1 पे है, इसका मतलब क्या हुआ? N2 की वो वैल्यू जो होंगी जो 1 पे आ सकती है। तो 1 पे आने वाली लाइन कहाँ से हो सकती हैं? हाँ, 2 से हो सकती हैं, 3, 4, 5 और ऐसे कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक। वैसे बामर के लिए N2 की वैल्यू 2 ये खुद ही है, 2 के ऊपर से आएंगी, यानी कि 3 से आना स्टार्ट होगा, 4, 5, 6 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसी तरह 3 पे कहाँ से आएंगी? 4, 5, 6 इन्फिनिटी, 4 ये ऑलरेडी है, तो 5, 6, 7 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये 5 है तो इस पर 6 से आने के चांसेस हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। उसी तरह ये 6 है तो इस पर कहाँ से आएंगी? 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक चीज साथ में, एक और छोटी चीज़ हम आपको सिखाए थे, किसी भी सीरीज के लिए जो N2 की वैल्यूज होती हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम अल्फा बोलते हैं, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू को बीटा और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू को गामा और उसके बाद डेल्टा, ऐसे बोलते जाते हैं। जैसे ये दिस इज आवर अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस वन इज डेल्टा। किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। वहीं ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। किसके लिए? बामर के लिए। अब ध्यान से देखिए, तो दोनों अलग अलग हैं। बामर के लिए अल्फा की वैल्यू 3 है जबकि लाइमन के लिए अल्फा की वैल्यू 2 है। तो वो आपको रटना नहीं है, ये नहीं याद करने लगे हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 होती, 3 होती, 4 होती, बिल्कुल नहीं। आपको तो बस ये पता होना चाहिए, फिर N1 N2 की वैल्यू लिखेंगे। आप N2 की सारी वैल्यूज में से देख लेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो अल्फा होगी, फिर उससे बड़ी वाली बीटा, उसके बड़ी वाली गामा और ऐसे करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट क्लास आपको एक होमवर्क मिला था, उस होमवर्क में आंसर गलत हो गया था, आंसर उसका सही नहीं दिया हुआ था। आइए हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो आप करेक्शन कर लेंगे। यही था होमवर्क, राइट? इसमें ये जो आंसर है ना, ये मिसिंग था, ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर आ गया है। आप उसको करेक्शन कर लेंगे। 1.21 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर आएगा, या फिर अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 121.56 नैनोमीटर आएगा। आइए क्वेश्चन क्या है, हम एक बार आपको सॉल्व भी करके दिखा दें। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन इन द पाशन सीरीज। देखिए बात किसकी हो रही है? पाशन सीरीज। देखिए लाइमन, बामर, पाशन थर्ड है ना, यानी कि N1 की वैल्यू फिक्स हो गई 3, N2 की वैल्यू क्या हो सकती हैं? 4, 5, 6, 7। ध्यान है हम लिख रहे हैं क्या हो सकती हैं, क्या होगी वो तो हम देख लेंगे, फिलहाल क्या हो सकती है उसको लिख ले हम। इसमें देखिए आपको कुछ डिटेल्स दिया होगा, क्या दिया है? थर्ड लाइन इन द पाशन सीरीज। इसमें थर्ड लाइन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि N2 की वैल्यू 6 है। अब क्लियर है? हाँ, N1 N2 क्लियर हो गया। और देखिए मुझे क्या दिया है, आगे दे रखा है, K
किसके लिए? लिथियम आयन के लिए। हाँ, मुझे क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिथियम आयन यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बस तब मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो पहले तो हम वेव नंबर का फॉर्मूला लिखे, वेव नंबर इज इक्वल टू रीडबर्ग कॉन्स्टेंट आर जेड स्क्वायर 1/(n1)² -1/(n2)². आइए वैल्यूज रखते हैं, तो देखिए वेव नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ, ये तो हमने पहले सीख रखा है। वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो मैंने 1/λ लिख लिया। आर की वैल्यू दिया है 109,677, एक बार देख लें, वैल्यू ये दिया है कि 10^5 दिया है, नहीं ये दिया 109,677, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर फॉर्मूला देखें, आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3 है, तो बताइए जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 9/(1)(n1)² n1 देखिए कितना है, किधर गया, n1 is 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, सो 1/9 -1/(n2)². राइट, 1/(n2)² n2 कितना आया था, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। आप इतना लिख ले, फिर यहाँ लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 109,677 × 9। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम 36 डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 1, तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी, 109,677 × 9 × 4 - 1 यानी कि 3/36। आप इसको डिवाइड करें, 9 × 4 = 36, आपको क्या मिल गया, 109,677 × 3/4। आप अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो चलिए कर ही लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/λ इज इक्वल टू 109,677 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 × 7 = 21, 21 × 23, राइट, सो 1, 3, 2 कैरी 2 है, एंड 3, 9 = 27, 29 and 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 329/4। ये वैल्यू किसकी है, 1/λ की। मुझे क्या चाहिए, लैम्डा, मुझे क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा, आप इसको उल्टा करें तो हो जाएगा λ/1 यानी कि लैम्डा लिख सकते हैं, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4/329031, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया तो मुझे आर एच एस को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। बस अब इसको सॉल्व कर दें आप, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, देखिए कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4/329031 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1.2156। वेट ए मिनट, ओके, ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आएगी ना, कोई बात नहीं, हमारा कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, ये वैल्यू किस में आई होगी, सेंटीमीटर में, मुझे इसको किसे बनाना है, नैनोमीटर में, तो बताइए सेंटीमीटर को नैनोमीटर बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, गुड, 10^7 से। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 × 10^7 यानी कि 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाई 3, 2, 9, 0, 3, 1। इसको आप सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आएगी 121.56, और भी आएगा बट आप इतना ही लिख के छोड़ दें, ये आ गया आपका आंसर, किसमें, नैनोमीटर में, दैट्स ऑल। ये वैल्यू सेंटीमीटर में क्यों आई होगी, क्योंकि रीडबर्ग कांस्टेंट किस में दिया रहता है, सेंटीमीटर में ही दिया रहता है, सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए ये वैल्यू किस में देता है, मैं सेंटीमीटर में। नैनोमीटर बनाने के लिए 10^7 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर एंगस्ट्रॉम बनाना होता तो 10^8 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स ऑल। तो ये होगा आपका आंसर, तो ये तो हो गया सॉल्व। आइए आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस,
आप हेडिंग बना लें, ये चीज ना छोटा करना होगा, ये डायग्राम सही नहीं था ना, ये डायग्राम ठीक है। देखिए दिस इज द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कैसे करना होता है हम इसको सीखेंगे, राइट। तो मान लीजिए पहली बात तो ये क्या है चीज़ें इसको समझना होगा ना। तो मेरे पास कुछ लाइंस दी गई हैं, ये हमारा n इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट, दिस इज n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। अब मान लीजिए मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके फिफ्थ सेल में चला गया है, फर्स्ट सेल से जंप करके कहाँ चला गया, फिफ्थ सेल में। अब बताइए वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुकेगा नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस आना शुरू करता है। तब वो मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है ये आप तय करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है वो अपनी मर्जी से आता है, वो कहीं से जंप करके कहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस n इक्वल टू 5 से उसको n इक्वल टू 1 पे आना है, तो क्या हो सकता है, देखिए वो डायरेक्ट यहाँ से देखिए डायरेक्ट आ जाए यहाँ पर 1 पर, या फिर यहाँ से 1 पे आए, यहाँ से 1 पे आए, या फिर यहाँ पे 1 से आए, ऐसे आ सकता है। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, हो सकता है वो यहाँ से पहले सेकेंड पे जाए, ठीक है, या हो सकता है यहाँ से सेकेंड पे आए, या यहाँ से सेकेंड पे आए, ऐसे ही आप इसके लिए देखें तो हो सकता है वो थर्ड पे आए, बस यहाँ पर तो एक ही तरीका है, और या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ आए, ऐसे तरीके हैं। मतलब ये क्या हो सकता है, ये जो फिफ्थ सेल पे वो डायरेक्ट वन पे जा सकता है, हो सकता है एक तरीका। दूसरा हो सकता है वो फिफ्थ से सिर्फ फोर्थ पे जाए, तो फिफ्थ से फोर्थ पे, और फिर फिफ्थ से फोर्थ पे यहाँ पर है, और फिर फोर्थ से 1, तो ऐसे पॉसिबल लाइंस हैं। उसे कितने तरीके हो सकते हैं आने के, वो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए काउंट करें कितना आएगा, यहाँ कितने लाइंस बन रहे हैं 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1, सबको ऐड कर दें आप देखें कितना आएगा 4 3 7 2 9 1 10। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि फिफ्थ सेल से नीचे आने की कोशिश करता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं आने के, दैट इज 10, और वो 10 अलग अलग लाइंस जनरेट कर सकता है। जब वो 10 अलग अलग तरीके से आएगा तो उनके गैप अलग अलग होंगी, गैप अलग अलग होने की वजह से वेवलेंथ अलग अलग होगा, और आपको पता है अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी अलग अलग आएंगी। तो ये क्या था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर सेल से जब लोअर सेल में जंप करके आता है तो उस केस में वो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम जनरेट कर सकता है, ये कैलकुलेट करने का तरीका है। लेकिन ये तरीका बड़ी कॉम्प्लेक्स है, अभी तो आसान था 5 से 1 लेके आना, थोड़ा सा टफ तो आपको लगा ही होगा। बट अब सोचिए यही अगर इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 17 से आ रहा है नीचे तो कितना करेंगे, फिर तो आप डायग्राम बनाते बनाते ही पागल हो जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला, देखिए अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं, देखिए आपको जब हम पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ वाला डायग्राम ना बना के आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, राइट। हाँ, क्योंकि पीडीएफ वाला डायग्राम में थोड़ी बहुत कटपिट है तो वो सही नहीं है। क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको, ये पूरा पेज ही लग रहा है खराब हो गया। देखिए क्लियर पेज आ रहा है, हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हो जाएगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम n2 टू n1, कोई भी
हायर सेल से जब लोअर सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितने मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट कर सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज N2 - N1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला? इन द फर्स्ट ब्रैकेट N2 - N1, इन द सेकेंड ब्रैकेट N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको भी यूज करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। देखिए इसी को हम यूज करके पुराना जो कैलकुलेट किए थे हम उसको वेरीफाई करेंगे। पुराने वाले में N1 की वैल्यू मैंने कितनी थी 1 और N2 की वैल्यू कितनी ली थी 5। तो बस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, दैट इज N2 - N1 + 1/2। आइए लिखते हैं N2 की वैल्यू 5, राइट, -1, फिर N2 की वैल्यू 5, N1 की वैल्यू -1 और +1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 5 - 1 की वैल्यू 4, इंटू 5 - 1 4 + 1 5 अपॉन 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10। क्या वहाँ से भी 10 आई थी? क्या यहाँ भी 10 आ गया? ये आसान है, इसमें हमें बार बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चाहे वो फिर लेंदी हो या फिर वो ईजी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताइए, अगर मैं कह दूँ कोई एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लाइन ऑफ पाशन सीरीज से आ रहा है, कहाँ से? फिफ्थ लाइन ऑफ पाशन सीरीज से, कहाँ पर? पाशन सीरीज के ग्राउंड स्टेट पर। तो आप उसके लिए बताएं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने जनरेट कर सकता है। तो आप सिंपल से कहेंगे कि पहली बात तो पाशन सीरीज है, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट, N2 की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ती रहेगी, उसकी कौन सी लाइन? पांचवी लाइन, 4th 5th 6th 7th 8, यानी कि N2 की वैल्यू क्या आएगी 8। तो बस आपको इसी के लिए कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आप क्या लिखेंगे, N2 - N1 यानी कि 8 - 3, फिर क्या लिखते हैं, N2 - N1 + 1 यानी कि 8 - 3 + 1 अपॉन 2। तो बताइए 8 - 3 की वैल्यू 5, 8 - 3 5 + 1 दैट इज 6 अपॉन 2, आप इसको डिवाइड करें 3 5 3 = 15, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो जनरेट हो सकती है वो कितनी होंगी, 15 होंगी। कर सकते हैं? हाँ, इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और आती है। नॉर्मल केस में तो आप यही फॉर्मूला लगाया करेंगे, लेकिन हो सकता है, ध्यान है, बहुत रेयर केस में, लेकिन हो सकता है कभी कभार वो आपको कह दे कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए या पर्टिकुलर सिंगल एटम के लिए आपको कैलकुलेट करना है। किसके लिए? पर्टिकुलर सिंगल एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप ये फॉर्मूला ना लगा के आप ये फॉर्मूला लगाएंगे N2 - N1 बस। लेकिन ये कब लगाएंगे? दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लिया जाएगा तभी आप इसको लगाएंगे, अदरवाइज जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है आप उसी को लगाया करें। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और छोटी चीज है, देख लीजिए। देखिए कई बार आपसे लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सीरीज पूछ लेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज में कितने लाइंस बन सकती हैं। तो बहुत सिंपल है, जहां से वो लाइन आ रही है दैट इज N2 - जहां पर आएगी उसी ग्राउंड स्टेट। अब लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट 1 होता है, बामर के लिए 2, पाशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5 एंड हम्फ्री के लिए 6, तो उसको माइनस कर देंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आप यहां पर अगर आप करके देखना चाहें लाइमन सीरीज के लिए तो कितनी आएगी, दैट इज 4। मुझे कैसे पता चला कि लाइमन सीरीज है? बहुत सिंपल है, आप देखें कि सारी लाइंस कहाँ आ रही थी, फर्स्ट सेल पे, और N = 1 पे आने वाली सारी लाइंस के ग्रुप की जो सीरीज बनती है उनको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस ध्यान रखें। देखिए क्या दिया है,
फॉर अ सिंगल हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर आपको ये लिख के दे दिया है कि सिंगल हाइड्रोजन एटम है या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जब तक वो आपको लिख के नहीं देगा सिंगल, तब तक आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन। और अगर ऊपर वाले केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी लिख के दिया होता तो 5 माइनस वन सॉल्व करते कितना आता, 4, लेकिन उसने कहीं लिखा नहीं है इसलिए आपका ये आंसर नहीं आएगा, आंसर सिर्फ कितना आएगा आपका 10। आइए एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑन कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जॉर्ब्ड। राइट, उसने दे दिया है कितने लाइंस जनरेट हो रही हैं, 15। ठीक है, और क्या कह रहा है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट लैम्डा। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक चीज। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, यानी कि एन वन की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1। ये आपको थोड़ा सा गेस करना होता है। चलिए इतना कर ही लेंगे आप, तो बस आप फॉर्मूला लगा लें पहले। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगा लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन एन टू माइनस एन वन प्लस वन। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर हम यही फॉर्मूला क्यों लगाए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी उसने सिंगल वर्ड को यूज नहीं किया है। तो ये देखिए आपको वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज 15। तो आप लिख लें 15 इज इक्वल टू एन टू, आपको पता ही नहीं है, एन टू माइनस एन वन की वैल्यू 1, फिर एन टू माइनस एन वन की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, थोड़ी सी वेट करना होगा आपको। तो ठीक है, देखिए we have got 15 is equal to n2 minus 1 और यहाँ था n2 minus 1 plus 1 divided by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को इधर भेज दें, 15 टू जा 30 होगा ना, इधर 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा n2 minus 1 और ये हो जाएगा n2 minus 1 plus 1 कैंसिल, यानी कि सिर्फ n2। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो 30 इज इक्वल टू एन टू इंटू एन टू क्या हो जाएगा, एन टू का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन टू कितना हो जाएगा, एन टू। अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, इसको उड़ा के उधर भेज दीजिए, इधर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आपको मिलेगा एन टू का स्क्वायर माइनस एन टू माइनस 30 इज इक्वल टू 0। माइनस 30 मिलेगा ना, ये 30 उधर जाएगा पॉजिटिव से तो निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करना होगा हमें, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि एक ऐसा टर्म जिसमें स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया जाता है और दूसरा ऐसा टर्म जिसमें कि कोई वेरिएबल ना हो, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट हो। तो देखिए ये है स्क्वायर वाला टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1, और इसका 30, तो 1 इंटू 30 को 30 लिखेंगे। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर्स करिए जिसका सम किसका आए, 1 के इक्वल आए, तो आप देखें 5, 6 कर सकते हैं, 5, 6 या 30। अब ध्यान रहे कि हम 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, राइट। तो चलिए ये चीज़ लिख लेते हैं, अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, n2 का स्क्वायर माइनस 5n, नहीं प्लस 5n माइनस 6n, ये हो गया ना n2 है, सॉरी ये n2 एंड माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। अब बस इसमें से कॉमन देख लें, n2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा n2 और यहाँ बचेगा प्लस 3, यहाँ कॉमन देखेंगे तो माइनस 6 कॉमन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा n2, सॉरी ये 5 है ना, तो यहाँ 5 रहेगा। ठीक है, माइनस 6 कॉमन करें n2 प्लस
फाइव प्लस फाइव क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस कॉमन किया तो ये सिंबल रिवर्स हो जाता है, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ से इनको ब्रैकेट बना लें, इन टू माइनस सिक्स एंड इन टू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब आपसे इन टू की वैल्यू पूछा जाएगा, तो आप इन टू की दो वैल्यू ध्यान से देखिए, ये माइनस सिक्स है तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, और ये प्लस फाइव है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव। आप मुझे बताएं एन टू, एन टू क्या नंबर है ना, कोई भी एक एनर्जी लेवल का नंबर है, क्या एनर्जी लेवल का नंबर माइनस में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। तो एन टू की मेरी कौन सी आंसर ली जाएगी? सिक्स। तो बताइए अब तक मुझे क्या पता चल गया, मुझे एन वन पहले से ही पता था वन, एन टू अभी पता चल गया सिक्स, मुझसे पूछा क्या जा रहा है लैम्डा। तो आइए वेव नंबर का फॉर्मूला बताइए, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। तो वेव नंबर को हम क्या लिख लेंगे, वन अपॉन लैम्डा आर। आप चाहे तो आर की वैल्यू रखे या फिर अभी ऐसे रहने दें, आर जेड। हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू वन, और वन का स्क्वायर भी कितना आएगा, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व कर दे, ये हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इन टू वन, यानी कि आर इनका एलसीएम ले लें 36, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस वन, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 35 आर अपॉन 36। हाँ 36 माइनस वन 35 इंटू आर, 35 आर अपॉन 36। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए मुझे क्या करना होगा, उल्टा कर दें, ये हो जाएगा 36 अपॉन 35 आर, राइट। आर की वैल्यू मुझे कुछ दी गई है, आइए हम देखते कितना दिया है। हाँ हमें यहाँ पर आर की वैल्यू यूज करनी है 10 to the power 5। तो चलिए आर की वैल्यू हम वही लिख लें जो दिया हुआ है, ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो अब मैं इस आर को हटा के यहाँ क्या लिख लूँ, 10 to the power 5। ये वैल्यू थी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। मुझे पता है मेरी वैल्यू या तो मुझे नैनोमीटर में चाहिए या तो एंगस्ट्रॉम में। अगर नैनोमीटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताइए, 36 इंटू 35 इंटू 10 to the power 5। सेंटीमीटर को नैनोमीटर बनाने के लिए 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए 10 to the power 8 से करते हैं। तो फिलहाल 10 to the power 5 10 to the power 7 ये ऊपर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी 36 इंटू 10 to the power 2 अपॉन 35। आप इसको सॉल्व कर दें, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, मेरे हिसाब से ये लगभग वन टाइम के आसपास 100 समथिंग के आसपास आएगा, देख ले एक बार। देखिए दिस इज गोइंग टू बी 36 इंटू 10 to the power 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 35 एंड दैट इज गोइंग टू बी 102.85, दिस इज इन नैनोमीटर। आप अगर एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं तो ये वैल्यू आती 1028.5 एंगस्ट्रॉम। तो आप चाहे नैनोमीटर पे निकाल लें या फिर एंगस्ट्रॉम में, जब तक आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप नैनोमीटर पे भी निकाल के छोड़ सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी आपकी चॉइस होगी। अगर आपके क्वेश्चन में कह दिया कि नैनोमीटर में चाहिए तो फिर आपको ऐसे ही निकालना होगा, एंगस्ट्रॉम में कहेगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना, आपको याद तो हो ही गया होगा वैसे आपको, बट फिर भी 1 centimeter इज इक्वल टू 10 to the power 7 नैनोमीटर, और वहीं 1 centimeter इज इक्वल टू 10 to the power 8 एंगस्ट्रॉम, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, राइट। तो हमें आंसर कितना मिला, एंगस्ट्रॉम में 1028.5, आंसर चेक कर लीजिए। हाँ देखिए 1020 के आसपास मिलेगा, तो आप कर लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज अप्रॉक्स ली गई है ना, इसलिए वैल्यूज का आंसर भी अप्रॉक्स आ रहा है, ये 1020 आ रहा है, हमारा कितना आया है यदि 1028। हाँ ये दोनों सही हैं, सही है, तो बस आप इसको कर लेंगे। डिफरेंस आपको सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में कितना ले गया, 1.02 ही, आगे की वैल्यूज छोड़ दी गई हैं, जबकि वहाँ पर हमने वैल्यूज उसके आगे की ली हुई है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा।
तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट फिर जा चुकी है, सो थोड़ा सा वेट कर ले। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स जंप फ्रॉम सम हायर लेवल अप टू थर्ड एनर्जी लेवल। वो कह रहा है किसी भी हायर लेवल से वो जंप कर रहा है, N2 नहीं पता है कहाँ तक, N1 3 तक। हाँ, इस पर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं जा रहा है, थर्ड स्टेट पे ही अभी बात हो रही है। ठीक है, इफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर पॉसिबल फॉर द ट्रांजिशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स दैट इज गिवेन 6, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट वी नीड टू डू इज कैलकुलेट फाइंड द इनिशियल पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, यानी कि सिंपल सा हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप हमें बता दें N2 की वैल्यू क्या होगी, वो कहाँ से जंप कर रहा है। तो बस करना क्या है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन 2 N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितना है, 6 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू नहीं पता है हमें, N1 इज 3, फिर से N2 माइनस N1 इज 3 प्लस 1 अपॉन 2, इनको 2 को इधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल टू N2 माइनस 3, एंड इधर आप सॉल्व करें तो -3 + 1 कितना होगा, -2। चेक कर ले आप, हाँ -3 + 1 इज -2। अब इसको क्या करें, आप सॉल्व कर दें, N2 को मल्टीप्लाई N2 से करेंगे N2 स्क्वायर, फिर N2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 N2, इसी तरह -3 का मल्टीप्लाई N2 से करेंगे तो -3 N2, एंड -3 का -2 से करेंगे तो +6, यानी कि आपको क्या मिल गया 12 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो -5 N2 हो जाएगा +6। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे इस 12 को भी उधर भेज दे तो इधर हो जाएगा 0, यानी कि N2 के स्क्वायर -5 N2 प्लस 6 -12 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको N2 के स्क्वायर -5 N2 -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 12। इसी को सॉल्व करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, दैट इज N2 स्क्वायर -5 N - 6 इज इक्वल टू 0। यस, सो देखिए हमें अब तक क्या मिल चुका था, N2 स्क्वायर -5, इसको सही से लिख लेना, 5 N2 - 6 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा N2 स्क्वायर प्लस N2 - 6 N2 - 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आप खुद से करके देख लेंगे, यहाँ से N2 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको N2 - 6, और यहाँ से सॉरी +1 मिलेगा ना, कॉमन उल्टा हो गया। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से N2 कॉमन करेंगे तो N2 बचेगा प्लस यहाँ पर ना 1, फिर इन दोनों में -6 कॉमन कर लेंगे तो N2 माइनस कॉमन किया तो प्लस में हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 0। फिर आप इनको ब्रैकेट वाइज कर लेते N2 - 6 एंड N2 + 1 इज इक्वल टू 0। आप N2 की वैल्यूज निकालेंगे तो -6 क्या मिलेगा हमें +6 में, और ये +1 है तो -1 में। बताइए क्या N2 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो ये गलत है, हमारा आंसर हो गया 6। हमें यही N2 ही कैलकुलेट करना था, वी हैव गॉट N2 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द आंसर। आसान है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आप लोड ना लें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क टाइम, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क, सेकेंड होमवर्क में 2 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक बार आपको कहा गया है, कहा गया, ठीक है, 7th सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2nd सेल में आता है तो कितने मैक्सिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। दूसरा केस में अगर यही 7th सेल से जंप करके डायरेक्ट कहाँ जाए, ये 2nd एक्साइटेड स्टेट है ना, यानी कि 3rd सेल, और दूसरे पार्ट में 7th सेल से लेकर कहाँ जाता है, सीधे ग्राउंड स्टेट, यानी कि N इज इक्वल टू 1 पर।
तो दो अलग अलग केस ए केस बी के लिए आपको सॉल्व करना है। केस ए के लिए आंसर 10 आएगा, केस बी के लिए 21। चलिए ये हो गया थर्ड। हाँ, इनिशियल पोजीशन निकालना, अभी जैसा हमें क्वेश्चन करके दिखाया है सेम टू सेम वैसा ही है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को फिनिश कर चुके हैं, अब हम उनके ड्रॉबैक्स सीखेंगे कि वहाँ पे क्या कमियाँ रह गई, अगर जो कमियाँ रह गई हैं तो फिर उसको कौन सही किया, इसी के बारे में आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली ड्रॉबैक इनकी ये थी, जो कि हमने बार बार आपको कहा था कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है दिस इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये या तो हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही काम करता है, यानी कि जो आपने फॉर्मूले सीखे चाहे वो एनर्जी के हो, चाहे वो वेलोसिटी के हो या फिर रेडियस ऑफ सेल्स के हो, वो सारे फॉर्मूलेज सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे वैलिड है। अगर वही चीज़ हम कह दें कि आप सोडियम के लिए सेल की साइज बता दें या रेडियस निकाल दें तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सोडियम के लिए वैलिड ही नहीं है। दैट इज़ वैलिड वनली एंड वनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो सबसे बड़ी कमी ये थी। दूसरी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन हायर सेल से नीचे वाले सेल में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, और जब वो आता है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट करता है, राइट। अब ये चीज़ आपको पता है कि ये जो जनरेट करता है ये स्पेक्ट्रल लाइन से, उन्होंने देखा कि अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, उन्होंने पहले चेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उन्होंने देखा कि ये जो एक लाइन आ रही है या स्पेक्ट्रल लाइन है ये कई अलग अलग लाइन्स में टूट जाती थी। क्या कहा उन्होंने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो देखा गया कि एक ही स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, जिसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार्क इफेक्ट। वहीं पे फिर उन्होंने चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, फिर उन्होंने देखा कि एक ही स्पेक्ट्रल लाइन कई पार्ट्स में फिर डिवाइड हो रही थी, तो उन्होंने उसको क्या कहा, जीमैन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। जब कोई भी एक स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने के बाद कई पार्ट्स में ब्रेकडाउन होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से वो चीज़ हो तो उसे बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे एक स्पेक्ट्रल लाइन कई पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो रही थी, इस बात को नील बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये उनकी ड्रॉबैक रह गई। तो सेकेंड हो गया। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझ में अभी नहीं आएगा, अगले लेक्चर से आएगा, बट कोई नहीं, जान जाए यहीं पे। दिस मॉडल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ये बिल्कुल भी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। अब क्यों नहीं फॉलो करता, ये जानने के लिए पहले आपको तो ये पता करना होगा कि ये होते क्या है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। यानी कि यहाँ से मुझे दो नए टॉपिक मिल गए जो कि आगे पढ़ने, मुझे अगले लेक्चर में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पता चलेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो डी ब्रोगली भाई साहब ने कही और उसको बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तक तो आप बस इतना ही जानते रहें। ठीक है, एक्चुअल नाम डी ब्रोगली नहीं था, उनका नाम डी ब्रोए था। क्या नाम था? डी ब्रोए। हाँ, ये अलग बात है, हम अपने डेली लैंग्वेज में इसको डी ब्रोगली बोलते हैं, आप भी डी ब्रोगली बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डी ब्रोए होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसको अभी हम कल डिस्कस करेंगे, आज आप इन तीनों ड्रॉबैक्स को लिख ले बस। आइए चैलेंज क्वेश्चंस। दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज क्वेश्चन, राइट। हाँ, इसका आंसर निकालना है, वो भी किस में, नैनोमीटर में, जो फर्स्ट टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, बेस सिंपल उसी बेस पे क्वेश्चन है।
ठीक है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन है, दैट इज सेकेंड चैलेंज, किधर गया, दिस इज आवर सेकेंड चैलेंज क्वेश्चन, पूरा नहीं विजुअल है, ओके हाँ अभी ठीक है। देखिए ये आपका सेकेंड चैलेंज क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें देखिए क्या है, इज आर करेक्ट लगा है, यानी कि इसमें से हो सकता है चारों में से कोई एक सही हो सकते हैं दो सही हो सकते हो तीन सही हो, या ये भी हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हो। तो आपको देखना है इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही हो सकते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। इनका आपको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन करना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, और फर्स्ट चैलेंज का आपको आंसर मेंशन करना, वो भी किस में, नैनोमीटर में। आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।